everyone, welcome to your English class. Today we will do new chapter, that is use of this or that from your book Literary Journeys and English Reader Pre-Primer Book by Brainroot Series. So let's start with the chapter. आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि जब भी कोई चीज़ आपके पास हो, मतलब आपके नियर हो, उसके लिए हमेशा आप दिस यूज़ करेंगे. तो जब भी कोई चीज़ आपके नियर हो, आपके पास में हो ना, उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं. जैसे दिस इज़ अ डॉल, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ टॉप, दिस इज़ अ बॉल. तो दिस कब यूज़ होगा बच्चों? जब कोई चीज़ आपके पास हो, जब कोई चीज़ आपके पास हो. वेरी गुड. अब हम देखेंगे डैट कब यूज़ होगा. डैट यूज़ होगा कोई ऐसी चीज़ के लिए जो आपसे दूर हो, जो आपसे फार हो. डैट इज़ द सन. सन हमसे कितना दूर होता है ना, जब आप देखते हैं स्काई में तो सन बहुत दूर होता है ना. तो डैट इज़ द सन. डैट इज़ एन आउल. That is a kite. That is a rainbow. Okay? तो आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम that use करते हैं, और जो हमसे पास होती हैं वो किसके लिए हम उनके लिए क्या use करते हैं? This. अब देखिए, dash is a cat. ये हमसे पास है तो हम लिखेंगे this is a cat. Next. Dash is a book. ये देखो हैंड से दूर है ना, तो यहाँ पे आएगा that is a book. Next, dash is a bag. कहाँ है बैग? पास में है ना हैंड के, तो हम लिखेंगे this is a bag. ठीक है. Next हमारे पास है dash is a tree. देखो tree दूर है हैंड से, तो यहाँ पे आएगा that is a tree. ठीक है बच्चों, सबको समझ आया? चलिए फिफ्थ देखेंगे. डैश इज अ रबर, दिस इज अ रबर. तो आप क्या लिखेंगे? THIS, दिस लिखेंगे. जो चीज़ आपके पास है दिस, जो चीज़ आपसे दूर है डैट. डैट इज अ फैन, क्योंकि देखो ये हैंड से दूर है. डैश इज अ काउ, दिस इज अ काउ. डैश इज अ हट, ये देखो ये हट दूर है ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? डैट इज अ हट. ठीक है, सबको समझ आ गया? वेरी गुड. चलिए, सो इस चैप्टर में इतना ही था. दिस का मतलब आपको ध्यान रखना है, किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जब चीज़ हमारे पास हो, और जब चीज़ हमसे दूर होगी तो हम डैट यूज़ करेंगे. चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दैट्स इट फॉर दिस वन. विल मीट यू इन द नेक्स्ट. नाउ Till then, goodbye and take care.